हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ ऑफ प्रीति के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल प्रीति और अंकुश के बीच थोड़ी अनबन चल रही है। होपफुली ये थोड़े दिनों में ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ के मैटर्स ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं उनके ही नहीं, मैं आम जो भी हमारे आसपास हस्बैंड वाइफ रहते हैं या जो कोई भी होते हैं, ये इस जो भी हस्बैंड वाइफ इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच ऐसे कुछ मैटर्स चलते रहते हैं। लेकिन 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 गाइज, आप लोगों ने क्या एक बात नोटिस की है कि लाइफ ऑफ प्रीति ने आजकल अपने वीडियोज़ में अपने बच्चे को यानी कि सिद्धार्थु को दिखाना बंद कर दिया है। क्या आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया? क्योंकि मैं तो उनकी जो वीडियोज़ है वो उस छोटे से सिद्धार्थु को देखने के लिए और उसको प्यार करने के लिए देखती हूँ, और मुझे पर्सनली सिद्धार्थ बहुत ही प्यारा लगता है। उसकी स्माइल और उसका वो जो वो अपनी मम्मा से बात करता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इन दिनों में वो सब चीज़ें मिसिंग है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब लाइफ ऑफ प्रीति और अंकुश के बीच पहले झगड़ा हुआ था, यानी वो पहले अपने मायके में आई थी, तो उस टाइम पे भी प्रीति ने एक बार ये डिसाइड किया था कि वो अभी अपने बच्चे को कैमरे के सामने नहीं लाएगी और उसको थोड़ा सा कैमरे से दूर ही रखेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनके बीच सिचुएशन अच्छी हुई अंकुश और प्रीति के बीच, तो फिर से उन्होंने अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाना स्टार्ट किया। यानी कि वहाँ पे वो सिर्फ अंकुश को अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी, यानी कि अंकुश को उसकी मम्मी को यानी कि सिद्धार्थ की दादी को वो सिद्धार्थ को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने पर्पजफुली ये किया था। लेकिन ऐसे ही उनके बीच सिचुएशन सही हुई, फिर से उन्होंने सिद्धार्थ को कैमरे में दिखाना शुरू कर दिया। तो इन दिनों में भी आपने अगर नोटिस किया होगा तो प्रीति ने सिद्धार्थ को यानी कि सिद्धार्थु को अपनी वीडियोस में दिखाना बंद किया है, और दीपक की वीडियो में भी, दीपक यानी कि प्रीति के भाई की वीडियो में भी सिद्धार्थ नहीं दिखता है। वो ये सब चीज़ें पर्पजली कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये सच में अपने हस्बैंड को, अपनी उसकी दादी को इन सब चीज़ों से दूर रख रही है, या फिर वो सच में चाहती है कि उसको सोशल मीडिया से दूर रखें। तो देखते हैं कि रीज़न जो भी है, शी इज़ अ मदर और वो जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। हम उस मैटर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर प्रीति आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को सच में सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड को और उनकी सिद्धार्थ की दादी को उससे दूर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मतलब अगर आप लोगों के बीच सिचुएशन सही नहीं है, और उसके बीच कई बार हो जाता है यार कि हम बच्चे को इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पापा के लिए या फिर दादी के लिए बच्चे को प्यार कम हो जाता है। प्यार उतना ही रहता है, लेकिन वो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते कि हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करें। तो आप अगर आप ऐसा चाहती है कि उन लोगों को आप थोड़ा सा टॉर्चर करना चाहती है, दुख देना चाहती है, तो आई थिंक इट्स नॉट ए गुड आइडिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे। इट्स योर चॉइस, इट्स योर बेबी, और यू नो द व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड फॉर योर बेबी। एंड हम इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिद्धार्थु को मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। अगर हो सके, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है, तो प्लीज़ आप सिद्धार्थु को अपने वीडियोस में दिखाएं। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थु को बहुत सारी आपके सब्सक्राइबर, मैं भी आपकी वीडियोस देखती हूँ सिद्धार्थु के लिए, तो आप ऐसा ना करें। आप सिद्धार्थ को कभी बीच में दिखा दिया करें, क्योंकि हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और देखते हैं आगे होता है क्या। मुझे तो इतना विश्वास है कि आप दोनों फिर से रीयूनियन हो जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे, और मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।